हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक और नई मेडिसिन का रिव्यू लेके आया हूँ। तो इस मेडिसिन का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे इसी तरीके की मेडिकल रिव्यू और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी मैं आपके सामने लाता रहूँ। तो आज हम बात करेंगे एक कफ सिरप के बारे में। आप लोग काफ़ी कफ सिरप आप यूज़ करते हैं, लेकिन इस कफ सिरप के बारे में हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड ये कफ सिरप बेसिकली सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल होती है। काफ़ी लोगों को सूखी खांसी की बड़ी प्रॉब्लम होती है एंड उस केस में उनको समझ नहीं आता कि किस कफ सिरप का हम उपयोग करें। तो आज हम बात करेंगे टोसेक्स एंटी टिश्यू कफ सिरप के बारे में। तो टोसेक्स कफ सिरप के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको बनाती कौन है। तो इस कंपनी को एबॉट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एबॉट लेबोरेटरी इसको बनाती है, इसको मैन्युफैक्चर करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइसिंग कितनी है। तो इसकी एक बॉटल की प्राइसिंग 169 रुपये है, यानी 169 रुपीज़ इसकी एक बॉटल की प्राइसिंग है। एंड काफ़ी बारी ये 159 रुपीज़ में भी आपको मिल जाती है, तो आप इसे ले सकते हैं इजीली। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या कॉम्पोजिशन होते हैं, जो कॉम्पोजिशन काम करते हैं। तो इसमें दो टाइप की ड्रग होती हैं। एक तो होता है क्लोरोफेनिडामाइन मैलेट, जो होता है 4 mg में, एंड दूसरा होता है कोडीन, जो होता है 10 mg में। तो फर्स्ट वन इज क्लोरोफेनामाइन मैलेट 4 mg में, एंड सेकेंड वन होता है कोडीन 10 mg में। अब ये काम क्या करती है, तो इसका उपयोग बेसिकली सूखी खांसी में करते हैं। जिन लोगों को सूखी खांसी की दिक्कत होती है वो उस केस में इस मेडिसिन को उपयोग करते हैं। अब ये मेडिसिन काम कैसे करती है, ये दोनों काम कैसे करते हैं, तो इसमें जो दो ड्रग होती हैं क्लोरोफेनामाइन मैलेट और कोडीन, तो क्लोरोफेनामाइन मैलेट बेसिकली एक एंटी एलर्जिक है। ये करता ये है कि जो हमारे बॉडी में केमिकल मैसेंजर होते हैं, हिस्टामिन जो होते हैं, ये उनके काम को रोकता है, जिसके कारण से एलर्जी होती है। तो ये हिस्टामाइन जो होते हैं हमारे बॉडी में केमिकल मैसेंजर होते हैं, उसके काम को रोकता है, जिसके कारण से हमें खांसी होती है। एंड जो कोडीन है, ये कोडीन बेसिकली कफ सप्रेसेंट है। तो जो हमारे मस्तिष्क में से कफ का जो केंद्र होता है, तो उसकी गतिविधियों को ये कम करता है और उसकी गतिविधि को दबा देता है। हमारे माइंड से जो मैसेंजर निकलते हैं, जो हमारे माइंड से कफ का जो केंद्र होता है, ये उसके काम को कम कर देता है, यानी उसको सप्रेस कर देता है। तो ये दोनों आपस में मिलके सूखी खांसी से होने वाली प्रॉब्लम से राहत दिलाती है और सूखी खांसी को बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करती है। तो आप इसको ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको लेना कितनी है या कैसे लेना है। तो इसको लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर डिस्कशन कर लें, बिकॉज इसमें जो ड्रग होती है वो ड्रग काफ़ी बारी कुछ लोग नींद में के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा ले लेते हैं तो नींद भी आने लगती है। तो इसलिए आप एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली डॉक्टर ये आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये लेना कब कब है, कैसे कैसे लेना है। तो उसके लिए आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर डिस्कशन करें, डॉक्टर आपको प्रॉपर तरीके से बता पाएगा कि इसको कब आपको लेना है। अब ये लेना कितनी है ये भी डॉक्टर ही आपको सजेस्ट कर पाएगा। विदाउट डॉक्टर से डिस्कशन से आप इस मेडिसिन को ना लें। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो काफ़ी लोगों को ये सिरप यूज़ करने के बाद नींद आने लगती है और उनका सर घूमने लगता है, सर चकराने लगता है। तो अगर ऐसे कोई लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उस केस में आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें एंड आप कुछ टाइम तक के लिए आराम कर सकते हैं। एंड अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, अगर आप मान लीजिए हार्ट के पेशेंट हैं, या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई है, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, या फिर आपके बच्चे को खांसी हो रही है, तो उस केस में इस सिरप को यूज़ ना करें। इस सिरप को यूज़ करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से डिस्कशन करें, अपनी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर के साथ शेयर करें, तो डॉक्टर उस केस में आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली ही आपको कोई और प्रिस्क्राइब कर सकता है या फिर इसी की डोज़ आपको बता सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन, इसी कॉम्पोजिशन की ऑल्टरनेट मेडिसिन के बारे में। सपोज़ ये मेडिसिन आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, ये मेडिसिन आपको लेना है लेकिन नहीं मिल रही है मार्केट में, तो इसके कुछ ऑल्टरनेट आते हैं जो आप ले सकते हैं। अगर हम ऑल्टरनेट के बारे में बात करें तो कॉम्टस TX सीरप आती है कॉमेट केमिकल्स की, उसके अलावा इंडिकॉफ आती है एल्केम लेबोरेटरी की, उसके अलावा कोडाइन आती है जाइडस कैडिला की, उसके अलावा कोसोम LCD आती है मर्क लिमिटेड की, उसके अलावा हिस्टोलेट आती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये इसकी ऑल्टरनेट मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं। अगर ये मेडिसिन आपको मार्केट में नहीं मिल रही है तो उस केस में आप ये ऑल्टरनेट हैं
या आप उस केस में आप ले सकते हैं। तो ये इस मेडिसिन का बेसिक रिव्यू था। तो अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी क्वेश्चन हो इस मेडिसिन के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि किस मेडिसिन का रिव्यू आप चाहते हैं, तो उस मेडिसिन के बारे में डिटेल में रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।